lessons of third class, here I am back with your chapter number 11, Introduction to Fraction. आपको मैंने fraction का थोड़ा बहुत hint दिया था कि fraction होते क्या हैं. अभी तक आपने दो equal part में बांटना सीखा, okay? So आज हम क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे half and fourth, यानी half और fourth क्या होता है? Fraction किसी भी एक पूरी figure, यानी होल फिगर को डिवाइड करना होता है इक्वल पार्ट्स में. किसी भी फिगर को अगर आप, जैसे मैंने रैंडम फिगर बना दिया, मैंने रैंडम फिगर क्या बनाया, एक ट्रायंगल बनाया, ये रैंडम फिगर है, कुछ भी बनाया मैंने. अब इसको अगर कोई आपको बोलता है कि हाफ में डिवाइड करो, तो आप कैसे करोगे? ऐसे करोगे क्या, बीच से डिवाइड? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ऊपर वाला इसमें छोटा हो जाएगा, नीचे वाला बहुत चौड़ा हो जाएगा. तो फिर इसको कैसे हाफ में डिवाइड करोगे? सिंपल, आप इसकी एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दोगे. इससे क्या हो जाएगा, ये हाफ और ये हाफ हो जाएगा. इजी है. वही चीज मैं आपको आज और अच्छे से बताने वाली हूँ, ठीक है? वन पार्ट इज वन हाफ, हैव्स अ टू इक्वल पार्ट्स दैट मेक अ होल. इसको बनाने का क्या है कि टू इक्वल पार्ट्स एक होल क्या बना रहे हैं, ट्राइंगल. टू हाफ पार्ट्स मिलकर यहां पर क्या बना रहे हैं, एक सर्कल. हियर द होल इज डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स. अभी तक सर्कल सिर्फ टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड था, अब सर्कल को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो पहले ये वाली लाइन थी, अब ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी. तो इससे क्या हो गया, इसके फोर इक्वल पार्ट्स हो गए, जस्ट लाइक अ पिज्जा. पिज्जा में भी आप ऐसे ही करते हो, है ना? फोर पार्ट के पिज्जा होते हैं, सिक्स भी होते हैं, लेकिन आप जनरली इसको ऐसे काटते हो पिज्जास को. वन फोर्थ इज वन, वन पार्ट इज वन फोर्थ, एक पार्ट इसका, ये मतलब बोल लो, ये बोल लो, चाहे कोई और आप ले लो, ये इसका वन फोर्थ पार्ट कहलाएगा. यानी अगर मैं इस पिज्जा से इतना पार्ट निकाल दूं, तो ये क्या कहलाएगा, इस पिज्जा का वन फोर्थ पार्ट है ये है ना, अगर मैं इसको निकाल दूं तो. जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल दिया है आपको एप्पल का. ये एप्पल आपका होल है, इसको आपने चाकू से, अगर आपके घर में कजन्स और भाई बहन है तो चार जन है, ठीक है, टोटल चार मेंबर्स में इसको इक्वल बांटना है. तो यहाँ पर क्या करते हैं, एप्पल को यहाँ पे मम्मी पहले बीच से काटती है, तो ये टू हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है. अब क्या करेंगी वो, अब क्योंकि बांटना तो चार में है, तो क्या करेंगी, इसको भी आधा करेंगी छुरी से और इसको भी आधा करेंगी. तो अब जब ये आधे आधे हो गए, तो कितने पार्ट्स में हो गए, चार पार्ट्स में हो गए. तो ये इसके फोर पार्ट्स हुए, एक होल एप्पल के फोर पार्ट्स, यही आपका फ्रैक्शन कहलाता है. लेट्स कम ऑन टू अवर एक्सरसाइज. सर्कल द शेप्स दैट शो हाफ्स. आपको उन शेप को सर्कल करना है जो आधे दिख रहे हैं. आधे यानी जो सिर्फ टू पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है? तो यहां काउंट करो, वन टू, क्या ये सही है? यस, yes, तो आपको यहां पर सर्कल करना है. क्या ये सही है, वन टू थ्री फोर, इसके तो फोर पार्ट्स है, यानी ये नहीं है. इसके कितने पार्ट्स हैं, वन टू, और क्या दोनों बराबर हैं? हाँ, तो आपको क्या करना है, जस्ट सर्कल इट. आपको अभी नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है, ये आप खुद करो, ओके? नेक्स्ट देखो, वन टू थ्री फोर है, इक्वल है, बट यहाँ पर सिर्फ हाफ को बोला था कि तो हाफ को ही करना था, लेकिन ये हाफ नहीं है, ये भी हाफ नहीं है, इस पे तीन पार्ट्स है. कलर वन हाफ ऑफ द ईच पार्ट. अब आपको हर एक के आधे को कलर करना है. कोई भी कलर ले लो, पेंसिल कलर, क्रेयॉन कलर, जो भी कलर है आपके पास, बस उसको क्या करना है, हाफ कलर करना है. ये इसका हाफ है, मैंने कलर कर दिया, कोई भी हाफ, ये करना है तो ये करो, ये करना है तो, लेकिन दोनों में से कोई एक हाफ को करोगे, ठीक है? तो हाफ आपको कलर करना है. ये इसका आधे को मैंने कलर कर दिया, ये इसके आधे को मैंने कलर कर दिया, और ये इसके आधे को मैंने कलर कर दिया, जस्ट लाइक दैट. इसके आधे को भी कलर कर दिया, ये क्या हुआ, हाफ यहाँ पे पूरे ये कलर हो गए. डिवाइड ईच शेप इन टू हाफ्स. अब आपको इनको हाफ्स में बांटना है. भले ही आप यहाँ अगर मिडिल में लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो यहाँ हाफ बन गया. इसको हाफ में बनाना है, तो मैंने बीच में लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया हाफ में, ये भी हाफ हो गया.
इसको भी आप बीच से कर सकते हो, अगर आपको बीच से नहीं करना है तो आप ऐसी लाइन खींच सकते हो, लेकिन दोनों में से कोई एक, क्योंकि दो ही पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। इसको हाफ करना है तो इसको भी मैंने हाफ कर दिया। सो ये हो गए इनके हाफ हाफ। अब नेक्स्ट पे आते हैं, कलर द शेप्स शोइंग। आपको ले लेना है थ्री कलर्स। इफ़ यू हैव क्रेयॉन पेंसिल, डोंट यूज स्केच पेन। ओके, स्केच पेन आप बुक में यूज नहीं करोगे, आप पेंसिल कलर यूज कर सकते हो, क्रेयॉन कलर यूज कर सकते हो। ओके, सिर्फ वो कलर यूज करो। तो आप क्या करोगे, ब्लू रेड ग्रीन, ये तीनों कलर्स ले लोगे हाथ में। अब आपको क्या करना है, जो भी फिगर पूरी है, पूरी है यानी उसमें एक भी लाइन नहीं है अंदर, उसको ब्लू कलर करोगे। तो लेट्स सर्च कि कौन सी ऐसी है जिसमें एक भी लाइन नहीं है, कौन सी ऐसी फिगर है, कौन सी ऐसी फिगर जिसमें एक भी लाइन नहीं है, कौन सी ऐसी फिगर है। देखो ये है, इसमें आपको एक भी लाइन नजर आ रही है, नहीं है, तो इसमें आप ब्लू कलर करोगे। ठीक है, और कोई है जिसमें ब्लू कुछ भी लाइन नज़र नहीं आ रही है, यहाँ तो सब में लाइन्स है, ये इसमें तो नहीं है, लेकिन तो इसमें क्या होगा, ब्लू कलर होगा, इसमें भी ब्लू कलर होगा क्योंकि इसके अंदर भी एक भी लाइन नहीं है, यानी तीन फिगर्स आपकी ब्लू कलर वाली है। तो अब ब्लू कलर को साइड में रख दो। अब कौन सा पिक करो, रेड कलर पिक करो। वीडियो को पॉज कर सकते हो आप, रोको और रेड कलर जल्दी भाग कर लेकर आओ। फिर रेड कलर को कहाँ करोगे आप, इक्वल पार्ट्स एंड हाफ इन रेड, यानी जो दो पार्ट्स में बटे हैं उसके एक पार्ट को आपको रेड करना है। यानी अगर ये देखो, ये हार्ट कितने पार्ट्स में बटा है, वन टू, टू पार्ट्स में बटा है, यानी ये कंडीशन इक्वल पार्ट्स वाली सही है। अब उसके हाफ में करना है, यानी उसके आधे में आपको रेड कलर करना है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग रेड कलर करोगे आधे में, लेकिन पूरे में नहीं। ओके, आधे में रेड कलर करना है। फिर ये भी आधी वाली है, तो इसमें भी आधे वाले में क्या करना है आपको, रेड कलर करना है। जितनी भी आधी इमेजेस है, ये आधी है क्या, नहीं है, ये चार पार्ट्स में डिवाइड है, ये भी चार पार्ट्स में डिवाइड है, ये वन टू थ्री फोर, फोर पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसमें भी नहीं। ये हाफ, हाँ रेड है, रेड कर दो, इसको रेड कलर कर दो। सब लोग कर रहे हैं ना, यहाँ रेड कलर हो गया। ये किस में, फोर पार्ट में, नहीं होगा, फोर पार्ट में है, नहीं होगा, वन टू थ्री फोर, फोर में नहीं होगा, या हो सकता है। तो यहाँ आप लिख दोगे, लिखोगे नहीं, एक्चुअली कलर करोगे रेड, यहाँ वन टू थ्री फोर नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता है, तो यहाँ आप आधे में रेड कलर करोगे। ठीक है, फिर यहाँ कर सकते हो आप रेड कलर, ऐसे आप देखो। ठीक है, मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है, जहाँ हाफ पार्ट है, ठीक है, वहाँ वहाँ क्या करना है आपको, रेड कलर करना है और आधे में करना है स्टूडेंट्स। ओके, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी काम है। आप, आई होप आप सबको समझ में आ गया है। अब इसमें क्या होगा, रेड कलर होगा। ये कंप्लीट हो गई आपकी इमेज, जितने भी आधे वाले थे सब कंप्लीट हो गए, ये हो गए। अब कौन बचा, ग्रीन कलर। अब रेड को रख दो, ग्रीन को उठाओ, वन फोर्थ इक्वल पार्ट्स में हो और उसके वन फोर्थ पे आपको ग्रीन करना है, यानी चार भाग में बटे होने चाहिए और चार में से आपको कितने में कलर करना है, केवल एक पार्ट में कलर करना है। वन टू थ्री फोर, फोर पार्ट में भी डिवाइडेड है, कोई भी एक पार्ट में आप ग्रीन कलर करोगे, कोई भी एक, आई रिपीट इट, कोई भी एक। पूरी में करा तो इट्स विल रॉन्ग, दो में करा तो भी रॉन्ग, सिर्फ एक पार्ट में कलर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट। वो पार्ट आप कोई भी चूज सकते हो क्योंकि सारे इक्वल है। तो मैं ये अगर बीच वाले को भी इधर कलर करूँगी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका वन फोर्थ ही कहलाएगा। और कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर करना है। तो यहाँ पर भी मैं इसको चूज करती हूँ तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर कर दिया, ये मैं इसको चूज़ कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर कर दिया, अगर मैं इसको चूज़ कर रही हूँ तो ग्रीन कलर कर दिया, जो भी आपको लग रहा है। ठीक है, जिसमें चार भाग हैं उसके वन पार्ट में आपको ग्रीन कलर करना है। ये आपका हो गया यहाँ पर कंप्लीट। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क सब अच्छे से करेंगे और ईमानदारी से करेंगे, कोई भी किसी से नहीं पूछेगा। ओके, ना मम्मी पापा की हेल्प लेगा। तो क्या करना है आपको, इसको और इसको कंप्लीट करके पिक खींच के मुझे भेजना है। कॉपी में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बुक में करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।